वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। इवैल्यूएट 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस 10 square 45 sin square 30 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री। इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको लर्न करनी है। इन केस अगर आप लर्न नहीं कर सकते तो आप इसको ऐसे याद रखें, यहां पे लिखें साइन कॉस 10। साइन की वैल्यू लर्न कर लेते हैं सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अगर आपको लर्न हो जाती है सिर्फ साइन की तब भी काम चल जाएगा, अगर नहीं लर्न हो जाती तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या पैटर्न है कि हम याद कर सकते हैं। पहले 0, 1, 2, 3 जीरो से लेकर 4 तक लिखें, फिर उसको 4 से डिवाइड करें, अंडर द स्क्वायर रूट करें, ठीक है। वो आपको मेथड बताया था मैंने किस तरह से हम इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। अदरवाइज आप लर्न कर लेते हैं, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 31/2 होता है, 1/√2 होता है, cos 61/√3/2 होता है और साइन 90/1 होता है, ठीक है। ये वैल्यूज अगर आप लर्न कर लेते हैं, अब cos की कैसे, उसी का उधर से रिवर्स कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। और 10 की वैल्यू साइन और कोस को डिवाइड कर दो, साइन और कोस को क्या करते हैं आप डिवाइड, 0/1, 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसका हमारा 1, इसको इससे डिवाइड करें साइन को कोस से, और ये आ जाता है नॉट डिफाइंड। इसलिए आपको सिर्फ साइन की अगर ये टेबल ये लाइन याद कर लेते हैं तो उसी का रिवर्स लिखते जाएं, फिर 10 साइन को कोस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 5 देखें इधर, कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 का मतलब है, जैसे कि मैंने बताया है, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉस थीटा की होल स्क्वायर, कॉस 60 की होल स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। फॉर sec, अब मैंने जैसा कि आपको बताया है sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है cos का। cos 30 की वैल्यू देखें आप, सिर्फ cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें 2/√3। tan 45 1, sin square 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos के 30, cos 30 की वैल्यू √3/2। जैसा कि मैंने बताया था cosec, sec और cot की वैल्यूज भी सिर्फ आप इन तीनों की याद कर लेते हैं, cosec की भी वैसे ही लर्न हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा sin का। 5 1/4 2 की स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1, 1/2 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। सिंप्लीफाई करें इसको, ये कितना है हमारा 5/4, 16/3, माइनस 1, 4 एलसीएम आ गया 1+3, तो नीचे 4/4 1 आ गया, ऊपर से देखें एलसीएम कितना आ गया हमारा 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 4, 16 4 जा 64, माइनस इट मीन जिसके नीचे 1 है ये कितना आ गया 12, और नीचे क्या आ गया 4/4, 1 बच गया हमारा, 3 प्लस 1 4/4, दिस इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है, ये कितना आ गया हम ऐड करेंगे 79, माइनस 12, 67, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इवैल्यूएट cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos और sin दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, आप लर्न कर सकते हैं दोनों की सेम होती वैल्यू। sec 30,
सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। अगर आपको कोस 30 की वैल्यू याद है, कोस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2, तो सेक 30 की कितनी होगी 2/√3, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है साइन। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है ये देख रहे हैं आपने, साइन का होता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कोसेक 30 की कितनी होगी 2/1, 1/√2। एलसीएम कितना आ गया इसका √3, √3 से √3 कैंसिल, 1 2 प्लस 1 से डिवाइड किया √3 2√3, ये हमारा क्या हो गया 1/√2, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाएगा √3 2 प्लस 2√3। √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो √3, अब √2 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना आ गया 2√2 2√3 को इससे करेंगे 2√6। वैसे तो हमारा यहां तक सॉल्व हो गया, बट हमारा डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है, हमें इसको रेशनल में कन्वर्ट करने हैं। तो फर्दर यू कैन सॉल्व, तो इसको रैशनलाइज कर दें, रैशनलाइज किससे करेंगे 2√2, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, रैशनलाइजिंग √3, रैशनलाइज कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर को, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 2√6, रैशनलाइज कर दिया हमने डिनोमिनेटर को। वैसे आपने वैल्यूज पुट कर दी, हमारा यहां तक आ गया आंसर बस। वैसे तो 2 मार्क्स में आता है यहीं का, पेपर में छोड़ सकते हैं, 3 मार्क्स में आता है तो कंप्लीट सॉल्व कर दें। इसको मल्टीप्लाई के लिए पहले √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारा 2√6 माइनस, अब √3 को इससे करेंगे तो √3 को देखें 2√6 से करेंगे तो 2, और इसको करा तो कितना आ गया √18 2√18। अब a प्लस बी ए माइनस बी, ए की स्क्वेयर माइनस बी की स्क्वेयर 2√6 माइनस 2√18, टू की स्क्वेयर भी हो जाएगी √2 की स्क्वेयर 4 और √2 की स्क्वेयर 2, 4 2 8 आ गया, 2√6 का होल स्क्वेयर 2 का भी स्क्वेयर हो जाएगा, √6 का भी स्क्वेयर हो जाएगा, √6 का कितना होता है 6, कितना आ गया हमारा 24। ऊपर से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, √6 माइनस √18, 8 माइनस 24 माइनस 16, 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, √6 18 का स्क्वेयर रूट कैसे निकालते हैं, 18 का स्क्वेयर रूट देखें 2 3 6 6 3 18, तो पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा और सिंगल में है जो रूट में रह जाएगा 3√2। नीचे बचा -8, हमने इसको डिवाइड कर दिया, अब माइनस को आपने रिमूव करना है तो ऊपर माइनस कॉमन ले लो, आपको पता है a माइनस बी है, माइनस कॉमन कैसे लेते हैं, जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा और प्लस का है वो माइनस का बन जाता है, तो माइनस का हमने कॉमन लिया, माइनस हमने ऊपर से कॉमन ले लिया तो ये प्लस का बन गया और प्लस वाला माइनस का बन गया -8। वी आर लेफ्ट विथ, ये आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8, ये आ गया हमारा आंसर।